लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि आप अपने नोटिफिकेशन पे फ़ोटो कैसे सेट करें दोस्तों। कमाल की वीडियो है दोस्तों, आप ये पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी टॉपिक पे बनाया हो दोस्तों। ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तो वीडियो देखिएगा लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। आज मैं बताऊँगा कि नोटिफिकेशन पर फ़ोटो कैसे सेट करें दोस्तों। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे मैं बता देता हूँ कैसे सेट किया हूँ। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ऐसे कुछ सेट किया हूँ, आप ऐसे सेट कर सकते हो दोस्तों अपने नोटिफिकेशन पे। आप लोग देख सकते हो, ऐसे आप लोग सेट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो दोस्तों नोटिफिकेशन पे, ऐसे ऐसे आप लोग सेट कर सकते हो दोस्तों नोटिफिकेशन पे, ऐसे आप लोग दोस्तों सेट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा फ्यूचर लग रहा है। तो ऐसे आप लोग दोस्तों सेट कर सकते हो, जैसे मैंने इस लड़की का फ़ोटो सेट किया हूँ वैसे आप लोग सेट कर देते हो। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है मटेरियल नोटिफिकेशन। तो आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन है। तो मैं इस एप्लीकेशन को सिंपली डिलीट कर देता हूँ, आपको मैं शुरू से बताता हूँ दोस्तों। तो वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी आपको सिंपली चले जाना है प्ले स्टोर में दोस्तों, जो नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर में चले जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली इसको ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मर्जी बोल के, जो नहीं जानते हो तो मर्जी बोल के मंगा सकते हो, भी सर्च करके भी आप कर सकते हो। मैंने सर्च किया था तो आपके सामने सबसे ऊपर हमारा जो ऑप्शन है वो आ रहा है, ये देखो मटेरियल नोटिफिकेशन। तो आपको सिंपली इसमें मैंने ओपन कर दिया, आपको लिख लेना है और आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे हमारा खुल गया। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लेता हूँ दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद अभी ये डाउनलोडिंग हो रहा है, डाउनलोडिंग होने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे की वीडियो। तो बस एक ही दो सेकंड में हो जाएगा दोस्तों, बस थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ऑप्शन आ गया आपके सामने, देख सकते हो, तो इसको सिंपली ओपन कर लेना है दोस्तों। तो मैंने सिंपली ओपन कर लिया, अभी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन को ओपन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से फिर से ये पहला ऑप्शन जो आता है फर्स्ट नंबर, इस वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ से ओपन कर लिया, फिर बैक आते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन को भी आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। मैंने दूसरा ऑप्शन को भी यहाँ से ओपन कर लेना है। दूसरा ऑप्शन ओपन करने के लिए आपको सामने ये मटेरियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसको सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको सिंपली ओपन कर लेना है दोस्तों। इसको सिंपली ओपन करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ओपन होने के बाद आपको सिंपली बैक हो जाना है, बैक आ जाने के बाद फिर आपके सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन फिर से नीचे एक आ रहा है, तो आपको सिंपली इस पर ओपन कर लेना है, इसके ऊपर इसको भी ओपन कर लेना है। देखो सबको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे देख रहे हो मटेरियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है दोस्तों, अलाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सिंपली आपको फिर से